हेलो गाइस, चलिए आज और एक व्हीकल आ गई है जिसमें पिकअप की प्रॉब्लम है। तो चलिए हम सॉफ्टवेयर को कनेक्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि इस व्हीकल में क्या प्रॉब्लम है। फ्रेंड्स, इस व्हीकल में जैसा कि कस्टमर ने रिपोर्ट किया है कि हमारी स्लोप कंडीशन में जब ये व्हीकल चलती है और ये गाड़ी खाली रहती है तब भी ये गाड़ी खींचती नहीं है, और ग्रीन बटन पर तो एकदम नहीं खींचती है पर रेड में वो खींच लेती है। तो चलिए अब हम इसे सॉफ्टवेयर को कनेक्ट कर लेते हैं और इसकी ECM से जब हम कनेक्ट हो जाएंगे तो देख लेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो चलिए यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं ECM की कनेक्शन को और कनेक्ट करते हैं, और जैसे ही हमारी ECM से कनेक्ट होगी तो हम कस्टमर की डिटेल्स को फिलअप कर लेंगे यहाँ पे। उसके बाद इसकी फॉल्ट कोड हम चेक करेंगे। तो देखिए, ये ECM से कनेक्ट होने में थोड़ी सी समय लग रही है। चलिए, ये हमारी ECM से कनेक्ट हो गई है सॉफ्टवेयर। अब हम कस्टमर की डिटेल्स को फिलअप कर लेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए हम कस्टमर की डिटेल्स यहाँ पर डाल लेते हैं और व्हीकल की नंबर भी हम यहाँ पर डाल लेंगे, ताकि हमें इसी कस्टमर की 6 व्हीकल्स हैं, ताकि हमें फ्यूचर में इस कस्टमर की जो इस व्हीकल में हम लोगों ने वर्क किया है उसकी जो प्रॉब्लम है वो हम फ्यूचर में देख पाएँ। तो चलिए अब हम इसे कस्टमर की नेम से हम लोगों ने सेव कर लिया इसे। अब हम फॉल्ट कोड के ऊपर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स। देखिए, एक यहाँ पे एक फॉल्ट कोड है 0115 इनएक्टिव आ रही है, जो दो बार आई है इसकी काउंट में, और ये इंजन की मैग्नेटिक स्पीड सेंसर की है। तो चलिए, इनएक्टिव है तो इसे हम पहले इरेज कर लेते हैं। देखिए, ये इसे हम पहले इरेज कर लेते हैं, उसके बाद हम फीचर सेंस पैरामीटर्स और आपकी डाटा मॉनिटर सभी में जाकर चेक करेंगे फ्रेंड्स। इसकी वजह से तो व्हीकल में पिकअप की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये इनएक्टिव है ये कोड, और ये दो बार ही यहाँ पे आए हुए हैं, तो ये किसी कारणवश आ गए होंगे। ये हमारी इंजन की क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट की जो सेंसर है उसके वजह से ये कोड आती हैं। इसकी पोजिशन जो है ऑर्डर डिसऑर्डर होने से ये फॉल्ट कोड जनरेट हो जाती है। तो चलिए, अब हम इसे पहले इरेज कर लेते हैं। इरेज करने के बाद हम देख लेंगे कि इसकी जो प्रॉब्लम है ये क्यों हो रही है, और यहाँ से हमें चेक कर लेनी है। उसके बाद ट्रायल भी कर लेंगे व्हीकल को, ताकि इसकी जो प्रॉब्लम है वो हमें पता चल पाए कि सॉल्व हुए हैं या नहीं। तो चलिए, फीचर्स एंड पैरामीटर्स के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। फीचर सेंस पैरामीटर को क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारी सारी फीचर सेंस पैरामीटर्स यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमें इसे आसानी से हम चेक कर सकते हैं। तो चलिए, हम यहाँ पे इंजन की RPM को देख लेते हैं। यहाँ पे 650 है, तो अब हम इसे कुछ नहीं करनी है। अब हमें देखनी है गियर डाउन प्रोटेक्शन। ये हमारी जो इंजन की गियर डाउन प्रोटेक्शन जो है यहाँ पे, इसमें वो करेक्ट है या नहीं वो हमें चेक कर लेनी है। तो चलिए, हम उसके ऊपर चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे गियर डाउन लोड बेस कंट्रोल, यहाँ पे गियर डाउन प्रोटेक्शन, यहाँ पे देखिए डिसेबल किया हुआ है। जब हम इसे ओपन करना चाह रहे हैं तो ये ओपन नहीं हो रहा, तो हमें इसे इनेबल कर लेना है, और इसकी सेटिंग क्या है वो हम चेक कर लेनी है कि ये कितने पे लॉक किए गए हैं। तो चलिए, हम ECM को सेंड कर लेते हैं इसको ये इनेबल डिसेबल से इनेबल करने के लिए। उसके बाद ही हम इसकी जो डाटा है वो हम देख पाएंगे इसके अंदर कि कितने पे ये ECM में लॉक किए गए हैं, ये डिसेबल किए गए हैं। अगर कम होंगे तो उसे हमें बढ़ानी है। तो हम इसे चेक करेंगे। देखिए, अभी डिसेबल से ये इनेबल हो जाएगी गियर डाउन प्रोटेक्शन, तो हम इस डाटा के अंदर इन हो जाएंगे और उसके बाद हम चेक कर सकते हैं। अगर वो डिसेबल रहेगी तो हम उसे देख नहीं सकते हैं कि कितने पे सेटिंग इसकी लॉक हुई है ECM में। तो चलिए, हमने उसे इनेबल कर लिया। और यहाँ पे लोड बेस कंट्रोल स्पीड, देखिए ये भी ओपन नहीं हो रहे हैं, तो चलिए हमें इसे भी, देखिए यहाँ पे, यहाँ भी देखिए डिसेबल किए हुए हैं, तो इसे भी हमें इनेबल कर लेना है फ्रेंड्स। लोड बेस स्पीड कंट्रोल देखिए डिसेबल किए हुए हैं, तो उसे हमें
उसे भी हमें इनेबल कर लेनी है। उसे इनेबल करने के बाद हमें तब इसकी जो पैरामीटर्स है उसमें जाकर हम चेक कर लेंगे कि हमारी क्या है। देखिए जब ये डिसेबल है तो हम इसे, चलिए अभी इनेबल पर क्लिक करते हैं और सेंड टू ईसीएम कर लेते हैं। जब हम इसे सेंड टू ईसीएम करेंगे तो ये हमारी जो डाटा है वो इनेबल हो जाएगी और इसकी डाटा हम देख सकेंगे कि कितने पे ईसीएम में लॉक हुई है, हमारी लोड बेस स्पीड कंट्रोल जो है वो कितने पे लॉक हुई है वो हम देख पाएंगे। तो चलिए हम इसे ईसीएम को सेंड करके इसे अनलॉक कर लेते हैं, इनेबल कर लेते हैं। उसके बाद अगर इसमें किसी तरह की प्रॉब्लम है और ये कम पे सेटिंग है तो हमें उसे बढ़ानी है, और हम इसे इनेबल भी रख सकते हैं और डिसेबल भी रख सकते हैं, पर डाटा को हमें चेक कर लेनी है कि हमने कितने पे सेट किया है। ये मैक्सिमम पे सेट करके हमें इसे लॉक करना है तो आसानी से डिसेबल कर सकते हैं, और अगर नहीं करेंगे तो भी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी व्हीकल में। तो चलिए हमारी जो ये डाटा है वो इनेबल हो चुके हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ओके हम लोग क्लिक कर लेंगे, ये हमारी लोड बेस्ड कंट्रोल, लोड बेस्ड स्पीड कंट्रोल और हमारी गियर डाउन प्रोटेक्शन दोनों जो है वो इनेबल हो चुके हैं। अब हम आसानी से इसकी डाटा को हम देख सकते हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि इसकी डाटा हम कैसे देख सकते हैं और इसकी जो सेटिंग है वो हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए हम सेटिंग की तरफ चलते हैं और हम गियर डाउन प्रोटेक्शन के ऊपर में क्लिक करेंगे प्लस के ऊपर, और जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे देखिए शो करने लगे हैं फ्रेंड्स, देखिए 28 पे सेटिंग किए गए हैं इसकी। इसकी जो गियर डाउन मैक्सिमम व्हीकल स्पीड जो है वो 28 पे सेटिंग किए गए हैं। तो इसकी हम देख लेंगे लिमिट क्या है इसकी। देखिए फ्रेंड्स इसकी जो लिमिट है वो 35 है, तो इसकी जो लिमिट है मैक्सिमम लिमिट वो 35 है, तो हमें 35 ही सेट करनी है। तो व्हीकल डाउन मैक्सिमम, सॉरी गियर डाउन मैक्सिमम व्हीकल स्पीड जो है वो हेवी इंजन लोड में हमें 35 रखनी है, और उसकी लाइट इंजन लोड में भी 35 हमें कर लेनी है इसकी लिमिट देखकर। चलिए इसकी लिमिट भी चेक कर लेते हैं। इसमें भी देखिए फ्रेंड्स 35 ये मिनिमम जो है, मिनिमम और मैक्सिमम को देखकर हमें मैक्सिमम पे ही सेट कर लेनी है इसे। जब हम इसे 30 ऊपर वाली 35 पे करेंगे तो नीचे वाली को भी सेम 35 पे ही हम लोग सेट करेंगे, मैक्सिमम को भी 35 और मिनिमम को भी 35। देखिए फ्रेंड्स ओल्ड डाटा जो है 28 थी और इसकी जो न्यू डाटा हो गई है वो हमारी 35 हो गई है। इसके वजह से हमारी व्हीकल में पिकअप नहीं थी जिससे वो कस्टमर बहुत ही परेशान थे। तो चलिए अब हम इसे, अब हम चलते हैं लोड बेस स्पीड कंट्रोल के ऊपर। हमारी इंजन की जो आरपीएम है उसे हम चेक करेंगे और देखेंगे कि हमारी कितनी तक हमें रखनी है। तो देखिए हमारी यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे, देखिए 1800 पे सेट किए गए हैं इनकी आरपीएम, तो हमें इसे लिमिट चेक करके बढ़ानी है। देखिए 2100 तक मैक्सिमम लिमिट है, तो हमें 200 इसको इंक्रीज कर देनी है फ्रेंड्स, 2000 पे रख देनी है इसे 200 इंक्रीज करके। तो इसकी जो हाई इंजन स्पीड ब्रेक पॉइंट जो है वो 2000 रखनी है और लो इंजन स्पीड ब्रेक पॉइंट भी 2000 रखनी है। उसके बाद हमें इस डाटा को हमें ईसीएम को सेंड कर देनी है। देखिए हमारी ओल्ड जो है वो 1800, यहाँ पे देखिए ओल्ड वाली 28 है गियर डाउन प्रोटेक्शन स्पीड। उसके बाद हमें हमारी जो इंजन की लोड बेस स्पीड कंट्रोल है वो भी ओल्ड वाली डाटा को हमें सेंड, न्यू वाली डाटा को हमें ईसीएम में सेंड कर देनी है, और ये ईसीएम में जाकर हमारी डाटा सेव हो जाएगी। चलिए फ्रेंड्स ये हमारी ईसीएम में अपलोड हो रही है और ये डाटा वहाँ पर सेव हो जाएगी, और हमें गियर डाउन प्रोटेक्शन और स्पीड बेस कंट्रोल को इनेबल या डिसेबल भी हम कर सकते हैं या इनेबल ही रख सकते हैं। तो हम इसमें इनेबल रखेंगे और देखेंगे कि व्हीकल में प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हुए हैं या नहीं।
तो चलिए ये हमारी जो डाटा है वो ईसीएम को सेव हो जाएगी जाकर, यहाँ पे ओके क्लिक कर लेनी है हमें। चलिए हमने ओके कर लिया और हमारी जो डाटा है वो ईसीएम को सेव हो चुके हैं, उसकी एक कंफर्मेशन हमें आएगी। देखिए फ्रेंड्स वो आ चुकी है और डाटा जो है वो सेट हो चुके हैं, यहाँ पे हमने ओके प्रेस कर लिया है। उसके बाद फिर हम देख लेंगे ये दो के वजह से ही हमारी व्हीकल में जो है वो पिकअप की प्रॉब्लम हो रही थी इसमें। तो अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ, अब देखते हैं हमारे फीचर सेंस सॉरी डाटा मॉनिटर में जाकर देखेंगे कि हमारी जो एक्सेलेटर पैडल है वो सही से वर्क कर रही है या नहीं, और फैन कंट्रोल सेटिंग को भी हम लोग चेक कर लेंगे ताकि अगर उसमें भी किसी तरह की प्रॉब्लम है तो उसे हम ठीक कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स इसमें ब्लैक कलर की फ़ैन लगी हुई है, इसलिए 1.2 यहाँ पर फ़ैन की स्पीड जो है वो ड्राइव रेशियो दिए हुए हैं यहाँ पे, और इंजन फ्रिक्वेंसी हाई एफिशिएंसी की 2 हर्ट्ज है, तो उसे हमें देख लिया है वो ओके है। चलिए अब हम डाटा मॉनिटर के ऊपर क्लिक करते हैं, और डाटा मॉनिटर के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी एक्सेलेटर को भी देख पाएंगे। फीचर सेंस पैरामीटर्स के ऊपर एक बार और क्लिक करेंगे तो हमारी ये यहाँ से इसकी जो सारी है वो क्लियर हो जाएगी यहाँ से। चलिए इससे हमें मिनिमाइज़ अगर करनी है हमें फीचर सेंस पैरामीटर्स को, तो हमें फिर से फीचर सेंस पैरामीटर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये मिनिमाइज़ हो जाएगी। तो चलिए अब हम इसे फॉल्ट कोड को देखते हैं, फॉल्ट कोड तो किसी तरह की है नहीं, तो डाटा मॉनिटर के ऊपर क्लिक करते हैं और फीचर सेंस पैरामीटर पर क्लिक करेंगे तो ये मिनिमाइज हो जाएगी। फीचर सेंस पैरामीटर्स हमारी ओपन हो गए हैं, तो ऑल पैरामीटर्स के ऊपर क्लिक करेंगे और ऑल पैरामीटर्स में हमें एक्सेलेरेटर चेक करेंगे कि हमारी 100% जो है एक्सेलेरेटर पैडल वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, तो अगर नहीं करेगी तो हमें उसे बढ़ानी है। तो चलिए हम अब एक्सेलेटर पैडल को प्रेस करते हैं और देखते हैं कि ये 100% पे हमारी वर्क कर रही है या नहीं। देखिए फ्रेंड्स ये हमारी जो एक्सेलेटर पैडल है वो हमारी 100% वर्क कर रही है, मतलब जब हम प्रेस कर रहे हैं तो वो 100% प्रेस हो रही है, देखिए यहाँ पे। चलिए फ्रेंड्स अब हम इंजन को स्टार्ट करेंगे और ट्रायल पे जाएंगे और देखेंगे कि हमारी व्हीकल जो है वो पिकअप ले रही है या नहीं ले रही है। देखिए हमने स्टार्ट कर दिया इंजन को, अब इस व्हीकल में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो हमारी फॉल्ट कोड यहाँ पे जनरेट हो जाएगी, तभी प्रॉब्लम आएगी फ्रेंड्स। और आज का वीडियो यहीं तक, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड, थैंक यू सो मच।